हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टीपन यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डीएलएड यानी कि बीटीसी के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें बीटीसी में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए ही बहुत ही मुफीद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीटीसी में 5 सवाल जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन ये है कि पयामे तालीम क्या है। तो दोस्तों, जो पयामे तालीम है ये एक मैगज़ीन है जो कि बच्चों के लिए निकलती थी दिल्ली से। तो पयामे तालीम बच्चों का रिसाला है। अगला सवाल है कि जदीद उर्दू नसर के मेमारों में किसको मरकज़ी हैसियत या मरकज़ी मुकाम हासिल है। तो अगर मैं जदीद उर्दू नसर की बात करूं तो इसको सबसे ज़्यादा तरक्की देने में बनाने में जिसका किरदार है वो सर सैयद अहमद ख़ान का है। यानी कि कह सकते हैं कि उर्दू की जदीद नसर को बनाने में उसके मेमारों में मरकज़ी मुकाम सर सैयद अहमद ख़ान को हासिल है। अगला सवाल कि पतरस बुखारी किस उसलूब पर कुदरत रखते थे। तो पतरस बुखारी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मज़ाह निगार थे, लेकिन मज़ाह निगारी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो मज़मून निगारी होगा, यानी कि पतरस बुखारी मज़मून निगारी पर कुदरत रखते थे। अगला जो सवाल है वो ये है कि ज़बान सीखना कौन सा अमल है। तो दोस्तों, लैंग्वेज सीखना जो है वो एक एक्विजिशन है, यानी कि इक्तसाबी अमल है। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल यह कि ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशनल काउंसिल का क़याम कब हुआ था। तो ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशनल काउंसिल का जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1957 में हुई थी। तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन जो कि मारूजी सवालात थे उनको हल कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि मुख्तसर तरीन सवालात की। इसमें पहला सवाल कि बुनियादी तालीम या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन किसने बनाई थी। दोस्तों, बुनियादी तालीम महात्मा गांधी ने बनाई थी। अगला सवाल कि हरटाग ने इब्तदाई तालीम में रुकावट की सबसे बड़ी वजह क्या बताई। तो हरटाग ने जमूदो ज़िया को रुकावट की सबसे बड़ी वजह बताई। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, और हिंदी में इसको हरास और अवरोधन कहा जाता है। अब हरास और अवरोधन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। हरास होता है पढ़ाई का छूट जाना या पढ़ाई को छोड़ देना, ये हरास होता है। और अवरोधन का मतलब होता है कोई बच्चा अगर 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक ही क्लास में रहे तो वो होगा अवरोधन। तो हरटाग कमेटी ने हरास और अवरोधन यानी कि जमूदो ज़िया को ही इब्तदाई तालीम में रुकावट की सबसे बड़ी वजह बताई है। अगला सवाल कि अंदाजे कद्र यानी कि इवेलुएशन क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, तदरीसी मकासद के हुसूल में तलबा किस हद तक कामयाब हुए हैं, इस मालूमात को सही तरीके से जमा करने, तज्जिया करने और तशरीह करने के तरीके को ही अंदाजे कद्र कहते हैं। यानी कि पढ़ाई का जो मकसद था उसमें बच्चे कामयाब हुए कि नहीं, ये चेक करना ही क्या है, इवेलुएशन यानी कि अंदाजे कद्र है। अगला सवाल कि मारूजी इम्तिहानात कितने किस्म के होते हैं। तो दोस्तों, मारूजी इम्तिहानात होते क्या हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो वह इम्तिहानात जिनमें तलबा को कई जवाबात में से सही जवाब मुंतखब करना होता है वो आपके होते हैं मारूजी इम्तिहानात। मारूजी इम्तिहानात की बुनियादी तौर पर 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती है बुनियादी तौर पर मारूजी इम्तिहानात की? 2 किस्में होती हैं। पहला है कि वह इम्तिहान जिसमें तलबा को 2 जवाबों में से किसी एक को मुंतखब करना होता है, और जो दूसरी किस्म है कि वह इम्तिहान जिसमें तलबा को 2 जवाबों से ज़्यादा जवाबों में से
एक जवाब को मुंतखब करना होता है। जैसे चार ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन मुंतखब करना होगा, एक ये होगा, और या तो फिर दो में से ही बस एक को चुन लीजिए, ये होगा। तो ये दो किस्में होती हैं मारूसी इम्तिहानात की। बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं कि ज़बान के हुसूल में मादरी ज़बान की क्या हैसियत है। तो दोस्तों, जब हम लोग ज़बान हासिल करने में मादरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, ज़बान सीखने में फितरीपन आता है और हम आसानी से सीख लेते हैं। तो बस एक लाइन का आंसर होगा कि ज़बान के हुसूल में मादरी ज़बान से ज़बान में फितरीपन आता है। अगला सवाल कि ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़बान को तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक होती है इशाराती ज़बान, जिसको सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, दूसरा तकरीरी ज़बान, वर्बली लैंग्वेज जिसको कहते हैं, और तीसरा तहरीरी ज़बान, जिसको हम लोग रिटेन लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज की तीन किस्में होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे इस पेपर में जो 5 MCQs थे उनको, और जो 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे उनको आपने समझ लिया होगा। बाकी अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, जिनकी तादाद 7 होगी, उनको हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, हैदरी स्टडी पॉइंट के ज़रिए आपको उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। चैनल पे आप कैसे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उस लिंक की मदद से आप चैनल पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।